One second. Roll. Yeah, look center. भाई हाथ हटाना है। बहुत-बहुत thank you, बहुत-बहुत धन्यवाद पूरे इंडिया को and आप सब की वजह से मैं बहुत भारत देश में बहुत प्यार पा रही हूँ। So thank you so much। मुझे पता चला कि लोगों को मेरी journey बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि सब कह रहे मैं बहुत natural थी घर के अंदर and मुझे बहुत excitement है कि मैंने top किया सब girls के अंदर भी। So yeah, boys थोड़ा सा आगे रह गए but girls की vibe तो यही है ना मनारा में। अंकिता जी ने बहुत अच्छा game खेला and उन्होंने तो बहुत बड़ी big boss की fan भी रही हैं and पता था कि game के बारे में कैसा करना है and सब plus वो as a couple आई थी बिकी भाई के साथ। मैं तो घर पे अकेले गई थी और मैंने घर पे बहुत मजे करे हैं। मेरे लिए 3 महीने बिल्कुल मजेदार और एकदम हॉलिडे वाले थे और करते 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 मेरी गेस्ट सामने जैसे बोला मैंने उन्हें रीच करा तो मैं इसके लिए बस ग्रैटिट्यूड हूँ एंड बट ऑल द लव टू अंकिता जी। ये कहा गया कि मुनावर के वजह से आप टॉप 5 तक पहुंचे। संजी ऐसे थोड़ी ना होता है कि उसकी वजह से पहुंची। मेरा गेम इंडिविजुअली भी बहुत स्ट्रॉन्ग था एंटरटेनिंग हमेशा वीकेंड के बाद में सलमान सर से अच्छी बातें सुनने को मिलती थी। कभी कभी जब गलत होता था तो मेरे को सर हमेशा करेक्ट करते थे एंड मेरा बिग बॉस में सिलेक्शन हुआ है तो जिस तरह की मेरी पर्सनालिटी है उसकी वजह से हुआ है और मुनावर से मेरी दोस्ती हुई है तो उसकी भी मेरे साथ हुई है। सो आई थिंक फ्रेंडशिप कभी एक वे नहीं होती दोनों वेज में। मैं जब एक्चुअली बताऊँ मैं रियल लाइफ में बहुत जज्बाती इंसान हूँ। अगर मैं किसी को दोस्त मान लेती हूँ तो मैं उनके लिए बहुत मतलब मुझे लगता है कि मेरे घर से रिश्तेदार आए हैं। तो हाँ मुनव्वर ने मुझे बहुत हेल्प करा क्योंकि मैंने बिग बॉस का सच्ची में मुझे कुछ भी मालूम नहीं था और जब वहाँ पर एक्चुअली जब आप लोग टी वी पर देखते हो ना तो जब कोई लड़ता है ना तो अलग आवाज़ें हो लगती हैं बट जब आप वहाँ पर बैठ के फील करते हो इट्स अ वेरी डिफरेंट इमोशन। सो आई एम ग्रेटफुल कि वो वहाँ पे था। उनके अलावा भी और भी बहुत लोग थे। आई थिंक तहलका भाई हमेशा था मेरे पूरे जो जिनको मैं कहती हूँ माइके वाले वो सब थे वहाँ पे। अरुण भाई थे और बहुत सारे लोग थे। सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और बहुत प्यार दिया। कुछ लड़ाइयाँ हुई बट जहाँ तक आप बोल रहे हो कि मैं कन्वीनियंस के हिसाब से तो मैं कभी काम भी ना करूँ। जो काम पसंद होता है रियल लाइफ में भी वही काम करती हूँ सिलेक्टेड। तो आई डोंट थिंक कि मैंने कभी भी बिग बॉस के घर पे कन्वीनियंस के हिसाब से दोस्तियाँ चेंज करी हैं। अच्छा तो मैं सीधा बोलती हूँ मैं इतनी कोई परफेक्ट लड़की नहीं हूँ। मैं जो हूँ मैं ऐसी सी ही हूँ। अगर मैं किसी के साथ 6 घंटे कहते अनुराग के साथ बैठ के बातें कर रही थी तो ऑफकोर्स अगर मुनव्वर और अनुराग दोनों ही मेरे दोस्त थे शो में तो ऑफकोर्स दोनों की एक आधी बात आई होगी इधर से उधर एंड आई डोंट थिंक इसमें कुछ रॉन्ग है बिकॉज रियल लाइफ में भी आप सबके साथ होता होगा ना। अगर एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है तो आप इधर की बात थोड़ी उधर उधर की उधर ऐसा नहीं। उन दोनों की भी बहुत अच्छी दोस्ती थी वो लोग भी आपस में उनका भी कोई ट्रैक रहा होगा जो मुझे घर जाके पता चलेगा। बट आई थिंक मैंने दोनों के साथ अच्छे से दोस्ती निभाई। अब देखना ये है कि घर के बाहर वो लोग दोस्ती निभाते हैं या कैसे। तो बेसिकली अभी तक मेरे सिर्फ यू नो मूवीज़ के लिए मोस्टली तो हैदराबाद में मूवीज़ के लिए इंटरव्यू करा है
तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, मैं एक्चुअली घर के अंदर डांस वांस कर रही थी, सब लोग रेस्ट कर रहे थे, मैं डांस वांस कर रही थी, मुझे तो पता भी नहीं था क्या होने वाला है. मुझे लग रहा था कि वहाँ पे पूछेंगे कि यू नो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस एंड ऑल दैट, एक व्हाट इज योर एक्सपीरियंस और ये सब. बट जब वहाँ पे ढिशक्याओ क्वेश्चंस आने लगे, मैं तो डर गई. एंड जो विक्की भाई के लिए क्वेश्चंस आए, मुझे बहुत अजीब सा फील होने लग गया एंड आई थिंक मैं बहुत लो हो गई, बिकॉज रियली विक्की भाई के साथ एक ऐसी बॉन्डिंग थी. क्योंकि जब मुनावर वगैरह अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए, जब उनके बाहर के रिश्ते आए, तो विक्की भाई, ईशा, समर्थ वहाँ पे होते थे, हम लोग कॉफ़ियाँ पीते थे एंड यू नो चाय बनाते थे, तो मुझे उनके लिए भी बहुत बुरा लग रहा था एंड अपने लिए भी लग रहा था कि यार, मतलब नॉर्मल सी बात को इतना अजीब तरीके से बाहर जा रही है. तो आई थिंक मैंने पहली बार हमेशा मीडिया में अपने लिए बहुत सारा प्यार ही देखा है इवेंट्स पे पोस्ट करते हुए, जैसे मैं अभी कर रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बिकॉज दिस इज अ जनरल थिंग विच आई हैव सीन. बट अगर वहाँ पे ऐसा हुआ तो आई वाज, शायद मैं रेडी ही नहीं थी, शायद मैं पहले का बिग बॉस देखती और पता चलता कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कितनी हार्ड हिटिंग होती है, बिकॉज दे वर नॉट लाइक प्रेस, दे वर एक्चुअली लाइक हार्डकोर फैंस ऑफ बिग बॉस. तो शायद मैं बहुत ड्रेन्ड हो गई थी, अगले दिन मैंने कहा हाय मुझसे उठा भी नहीं जा रहा. सो बट या देखो, मेरे को बातें करने का बहुत शौक है और मैं जहाँ भी जाती हूँ बातें कर सकती हूँ. अभी भी ये इंटरव्यू 4 घंटे चले तो मैं आराम से बात कर लूँगी, तो ऑफकोर्स विक्की अंकिता बार बात करेंगे तो मैं क्यों मना करूँगी यार. मुनावर से दाल नहीं करी? अरे नहीं 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 नहीं, वो दाल बहुत अच्छी कहलाता है, उसको खाना बनाने का बहुत शौक था शो में, और वो कुकर में सीटियाँ डाल डाल के अच्छे से दाल गलाता है, तो मुनावर की दाल है तो कैसी नहीं गलेगी. बट आई थिंक शो का फॉर्मेट ही कुछ ऐसा था कि मैं बहुत जज्बाती हो गई थी, और जब मैंने मुनावर से डिस्कस करा कि मुझे नहीं लगता कि आप मेरे को, मैं उसको बाहर से फर्स्ट ऑफ ऑल कभी भी जानती नहीं थी, मैं उसको शो के अंदर ही मिली हूँ, और मुझे उसका प्रोफेशन वगैरह भी इतना पता नहीं था. लाइक स्टैंड अप्स देखते हैं हम लोग, बट उनका नाम किसका क्या, यू नो लाइक, अब मैं जाके बहुत स्टैंड अप्स देखूंगी. बट मैंने नहीं 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 नॉलेज के लिए कि ये भी एक प्रोफेशन होता है जो आजकल बहुत सीरियस हो गया है. ये थैंक यू मेमेनी फॉर सपोर्टिंग मी. ओके ओके, सो थैंक यू मेमेनी फॉर सपोर्टिंग मी. आपने मुझे सपोर्ट करा, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मैंने अपनी पर्सनालिटी से अपनी रिस्पेक्ट भी रखी शो पे और अपनी फैमिली की भी. सो थैंक यू मेमी दीदी एंड लोड्स ऑफ लव टू मालती. ओ तो फिर आप उनसे जाके पूछो, मुझे नहीं पता. अच्छा, आयशा के आने के बाद मैं उसके लिए पोजेसिव लगी, वो दोनों क्या कर रहे थे वो किसी ने नहीं देखा क्या? ऑफ कोर्स वो भी तो देखो यार, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? यस, मैं हूँ एक्सप्रेशन क्वीन सारंग, यो आई लव यू, और अब हम मिलते रहेंगे, पार्टी करते रहेंगे. हाँ, मैं खतरों के खिलाड़ी को कोहोस्ट करना चाहती हूँ, मेरे लिए एक फन सेगमेंट बनाओ, ताकि मैं जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं जो एक्चुअली खतरों से आए, अपने खतरों के स्टंट्स करके उनको थोड़ा लाइटन अप करने के लिए मनारा की वाइब तो चाहिए ही ना. या बी द बेस्ट पर्सन विन एंड ऑफ कोर्स आई विश हिम ऑल द बेस्ट. अब वो जीत गया है तो आई एम श्योर वो बाहर आके अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट देगा, एंड जो उसने एक नैरेटिव सेट करा था, और अब जो वो शो से कहता है कि मैं शो से कुछ नया सीख के जाऊंगा, आई होप वो अपनी लाइफ में अच्छी करेक्शंस करे. थैंक यू.